बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर एलजेब्रा। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन समझा था। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनल बाइनरी, अरे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को समझा था हमने। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या है कि लीनियर अलजेब्रा के पेपर में सबसे पहले हमें वेक्टर स्पेस को समझना है, और वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमें ग्रुप और फील को समझना होगा, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस होगा वो ग्रुप और फील के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग दो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझना चाह रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है और फील क्या होता है। ये दो बातें हमें समझनी है। ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमें चार स्टेप में पहुंचना होगा। पहला स्टेप ये था कि हम लोग उस सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें। पहला स्टेप ये है कि हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को समझें। इसके बाद से कब कहेंगे कि कोई ऑपरेशन किसी सेट पे एसोसिएटिव है। थर्ड स्टेप है आइडेंटिटी एलिमेंट की बात समझें, और चौथा स्टेप ये है कि हम लोग इनवर्स की बात करें। तो इन चार स्टेप तक, चार स्टेप में हम लोग ग्रुप तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप इन चारों बातों को समझ लिया तो फिर ग्रुप आपके ग्रुप समझ सकते हो। लास्ट टाइम पे हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बताया था, जैसे कि मान लो आपने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, जी आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, ओके। इसके बाद हमने क्या किया था कि जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था जी के साथ ही, और जी क्रॉस जी से जी में एक मैपिंग लिया था हमने, और इस मैपिंग को डिनोट किया था ओ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। अच्छा, इस मैपिंग को ही हम लोग कहे थे कि एनी मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, इसको और थोड़ा सा समझें। जैसे आपने दो मेंबर लिया, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया x और y g का, इससे क्या मिला आपको? एलिमेंट मिला x कामा y जो किसका मेंबर होगा? g क्रॉस g का मेंबर होगा। अच्छा, इस एलिमेंट की जो इमेज होगी, किसकी इमेज? x कामा y की इमेज होगी। किसके अंडर में? इस मैप के अंडर में, इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में। मैपिंग को ही हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। इस मैपिंग के अंडर में जो इमेज होगी उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे x ओ y। और हमने आपको ये बताया था कि सिंपल वर्ड्स में कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि ऑपरेशन O से G के दो मेंबर x और y को हमने कंबाइन किया है, और x ओ y किसका मेंबर होगा? G का। रिमेंबर, जो को डोमेन है मैपिंग का वो कौन है? G। तो जो भी इमेजेज मिलेंगे G क्रॉस G के एलिमेंट की, वो इमेज कहाँ पे होगा? जी में ही होगा। मतलब कि एक्स क्रामा वाई की जो इमेज है एक्स ओ वाई, एक इसका मेंबर होगा, एक जी का एक मेंबर होगा, ये मेंबर होगा जी का। इस तरह से आप क्या कर रहे हो? जी के किसी भी दो मेंबर को कंबाइन कर रहे हो ऑपरेशन ओ से। तो कंबाइन करने के बाद जो न्यू मेंबर है वो भी किसका मेंबर है? जी का ही एक मेंबर है। मैपिंग की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि जो भी इमेज मिला है वो यूनिक होगा। मतलब कि अगर आप एक्स और वाई फिक्स मेंबर लेके चल रहे हो जी के, और उन दोनों को कंबाइन किया आपने ऑपरेशन ओ से, तो ये जो एलिमेंट होगा एक्स और वाई वो क्या होगा? जी का एक फिक्स मेंबर होगा। मतलब कि फॉर ईच एक्स एंड वाई बिलोंग टू जी, एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी, एंड फॉर ईच फिक्स एक्स एंड वाई बिलोंग टू जी, एक्स ओ वाई इज अ फिक्स मेंबर ऑफ जी, इज अ फिक्स मेंबर ऑफ जी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम ये कहते हैं कि वो क्या है, किसी नॉन एम्प्टी सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि वो का काम क्या होता है? जी के एलिमेंट को कंबाइन करना, और जी के किसी भी दो मेंबर को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो न्यू मेंबर होगा फिर से उसी सेट का मेंबर होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग दो फिक्स मेंबर लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं ऑपरेशन ओ से, तो जो मेंबर जो मिलेगा वो क्या होगा? जी का एक फिक्स मेंबर होगा। जी का एक क्या होगा? फिक्स मेंबर होगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने देखा था, कुछ एग्जांपल हमने देखा था
बाइनरी ऑपरेशन के कुछ सेट पे हमने क्या किया था, बाइनरी ऑपरेशन देखा था, डिफाइन किया था। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप वाइड। हम लोग बात करेंगे ग्रुप वाइड की। जैसे आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया G, और इस नॉन एम्प्टी सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया O। कोई भी हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया G, और इस पे हमने क्या किया, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया O। इससे जो एल्जेब्रिक सिस्टम मिला, इस एल्जेब्रिक सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइड बोलते हैं। अगर किसी भी सेट पे अगर आपने एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, तो जो एल्जेब्रिक सिस्टम मिला, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप वाइड। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी ओ क्या है, एक ग्रुप वाइड है, इसका मतलब क्या है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओ क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दिस सेट जी, ए पेयर जी ओ। यहां पे जी क्या है, वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड हमने एक सेट पे क्या किया है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, एंड ओ बी एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी और इन दिस सेट जी, ऑन जी। तो जब भी हम कहें कि जी ओ ग्रुप एक ग्रुप वाइड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और उस सेट पे हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, जब भी हम ये कहें कि जीओ क्या है, एक ग्रुप वाइड है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और साथ ही साथ हमारे पास एक रूल है ओ, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, जी के किसी भी दो मेंबर को कंबाइन कर सकते हैं। और क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है कि जी के जब किसी भी दो मेंबर को कंबाइन करेंगे, तो जो न्यू मेंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, फिर से एक जी का ही मेंबर होगा। और साथ ही साथ अगर आप फिक्स दो मेंबर लेंगे, जैसे आपने ए लिया और बी लिया, दो फिक्स मेंबर लिया जी का, और उनको ऑपरेशन ओ से कंबाइन किया, तो फिर से जो मेंबर मिलेगा वो जी का एक क्या होगा, फिक्स मेंबर होगा, जी का एक फिक्स मेंबर होगा। ओके, तो जब भी आपसे कहा जाए कि आप प्रूफ करो कि जी ओ एक ग्रुप वाइड है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और उसके बाद से आपको क्या दिखाना होगा कि ओ क्या होगा, एक मैपिंग होगा फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, मतलब ओ क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, ओ क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों बातें एक साथ देखना चाह रहे हैं। जब भी हमें एक ग्रुप वाइड चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, और उस पर क्या चाहिए, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपने देखा था कि हमने किस तरह से नंबर सेट पे अगर हम लोग इनकी बात करें, कंसीडर नंबर सेट पे हमने एडिशन की बात की थी और मल्टीप्लिकेशन की बात की थी। कंसीडर एन विद रिस्पेक्ट टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसीडर दिस, अगर हम बात करें यूजुअल एडिशन की, अच्छा यूजुअल एडिशन का मतलब क्या है कि जो एडिशन आप अभी तक इस्तेमाल करते आए थे नंबर सेट में, आप ये जानते हो कि यहाँ पे चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। अगर हम लोग बात कर ले एडिशन की, अगर हम लोग बात कर ले मल्टीप्लिकेशन की, बात कर ले सब्सट्रैक्शन की, और डिवीजन की बात कर ले, ये चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन हैं।
जो एडिशन है इसको हम लोग बोलेंगे यूजुअल एडिशन, ओके, जो एडिशन है उसको हम लोग बोलेंगे यूजुअल एडिशन, जिसको आप किससे डिनोट करते थे, प्लस से, यूजुअल एडिशन प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट। इन नंबर सेट पे जो आप एडिशन इस्तेमाल करते थे अभी तक उसको हम लोग बोल रहे हैं यूजुअल एडिशन, और जो मल्टीप्लिकेशन आप इस्तेमाल करते थे उसको क्या बोल रहे हैं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन। इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा इन सभी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन होगा, और इसको चेक करना है तो आप तुरंत चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें और आपको प्रूफ करना है कि प्लस क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ए बी, और कोई भी अगर हम लोग दो मेंबर लें एन का और उनको कंबाइन करें प्लस से, ए प्लस बी भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और फिक्स ए बी के लिए ए प्लस बी क्या होगा, एक फिक्स नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह से इंटीजर लिए होते तो यही बात कहते, इन सब में यही बात कहते। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ले लो, अगर हम डॉट की बात करें तो डॉट क्या होगा, अगर आपने ए और बी को डॉट से कंबाइन किया तो क्या मिला, ए डॉट बी, और आप जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और दो फिक्स नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एक फिक्स नेचुरल नंबर होगा। तो ये सब सारी बातें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो एडिशन है जिसको हम लोग यूजुअल एडिशन बोल रहे हैं, डॉट है मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग यूजुअल मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, इंटीजर्स पे, रेशनल्स पे, रियल नंबर्स पे और कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से आपको ग्रुप वाइड स्ट्रक्चर मिले। अगर हम बात करें माइनस की अगर बात करें तो माइनस जो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी नहीं होगा, और डिसप्रूव करने के लिए आपके पास दो एक एग्जांपल काफ़ी होता है। जैसे कि मान लो आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया 1 और दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया 2 और आप इसको माइनस से कंबाइन करना चाह रहे हो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, -1, और जो -1 होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब कि जो माइनस होगा एन में बाइनरी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें जेड में तो वो जेड में बाइनरी होगा, रेशनल्स में अगर क्यू में बात करें यहाँ पे बाइनरी होगा, आर में बाइनरी होगा, सी में बाइनरी होगा। अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो डिवीजन एन में बाइनरी तो नहीं होगा, जैसे कि आपने 1 ले लिया और 2 ले लिया और 1 और 2 को इससे कंबाइन किया तो क्या मिला, 1/2, 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जेड में बाइनरी नहीं है, क्यू में भी बाइनरी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट 1 ले लो और दूसरा ले लो 0 तो ये 1/0 डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब कि क्यू में अगर हम लोग बात करें डिवीजन की तो ना तो यहाँ पे इन किसी में भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ना तो एन में है, ना तो जेड में है, ना तो क्यू में है, ना तो आर में है, ना ही सी में है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप वाइड के एग्जाम्पल हमें मिले। सो अगर हम इसकी बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ यूजुअल एडिशन, ये एक ग्रुप वाइड है। ग्रुप वाइड के लिए क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट और उस सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन, ओके। अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर पे आपने क्या किया, प्लस डिफाइन किया, यूजुअल एडिशन वो भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि ये भी क्या होगा, एक ग्रुप वाइड होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लें
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। माइनस नहीं लिख सकते, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू माइनस। इसके बाद से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यूजुअल एडिशन, दिस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस। इसके बाद से सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डॉट, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस। इसी तरह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस। ये सभी के सभी क्या हैं, ग्रुपवाइड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपवाइड्स। ये सभी के सभी क्या हैं, ग्रुपवाइड्स हैं। जब भी हम कह रहे हैं कि आर माइनस के रिस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुपवाइड है, इसका मतलब क्या है कि आर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और साथ ही साथ में माइनस जो है आर पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब कि इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी दो रियल नंबर को लेंगे और माइनस से कंबाइन करेंगे, तो माइनस से कंबाइन करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और साथ ही साथ अगर फिक्स रियल नंबर लेंगे और दोनों को माइनस से कंबाइन करेंगे तो हमें एक फिक्स रियल नंबर मिलेगा। और ये सब सारी बातें इन सभी सिस्टम के लिए कह सकते हैं, सारे ग्रुपवाइड्स के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इतने एग्जाम्पल मिले ग्रुपवाइड्स के। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने कोई आर्बिट्रेरी सेट लिया, लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, और आप जानते होंगे कि पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है। पावर सेट ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट एक्स, जिसको आप इस तरह से डिनोट करते थे, लेट मान लो हमने इसको जी से डिनोट किया, जी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट एक्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट एक्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, इसके जो मेंबर होंगे एक्स के सबसेट होंगे, ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स, दिस इज द कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ ऑफसेट एक्स। सेट एक्स के जितने भी सबसेट हैं उन सभी के सभी सबसेट को कलेक्ट करके एक सेट बनाइए, जो भी सेट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ सेट एक्स। अच्छा, इस पावर सेट पे आपने देखा होगा यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये सब सारी बातें आप पहले से भी जानते होंगे। हम थोड़ा सा फिर भी लिख देते हैं, जैसे कि मान लो आपने दो मेंबर लिया ए और बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, जी इज दी पावर सेट, जी इज दी पावर सेट ऑफ सेट एक्स। अगर हमने ये लिखा कि ए और बी जी का मेंबर है, इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी वो था सबसेट ऑफ सेट एक्स, सबसेट ऑफ सेट एक्स। अच्छा, और अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ए यूनियन बी, तो आप इसको समझते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, आप ये जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है।
इसी तरह से हम लोग बात करें ए के कॉम्प्लीमेंट की, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक्स डिफरेंस ए, आपको क्या करना होता है, एक्स में से ए के मेंबर को डिलीट करना होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक्स के वो मेंबर आएंगे जो ए में एब्सेंट है, एक्स बिलोंग टू एक्स विच आर एब्सेंट इन ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ओके। ये बात हो गई रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की। इसमें क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब क्या है कि आप एक्स में से ए के एलिमेंट को डिलीट कर दे रहे हो। आपने क्या किया, सेट एक्स में से ए के एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ए के एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचे हुए हैं उसी एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट से। जैसे कि आपने ये देखा कि मान लो कि ये क्या है, कोई सेट क्या है, कैपिटल एक्स है, और आपने ये कहा कि ये ए जो है ये एक सबसेट, ये ए क्या है, एक सबसेट है इसका। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये वाला, ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अगर ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स में से क्या कर दिए, ए को डिलीट कर दिए, ए के मेंबर को डिलीट कर दिए, तो जब बचे हुए एलिमेंट है वो क्या होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स डिफरेंस है, एक्स डिफरेंस है। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए, माइनस हम ऐसे बोलेंगे, एक्स डिफरेंस ए, ओके। हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अच्छा, इसके पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को भी हम डिफाइन कर देते हैं। अगर हमने दो मेंबर लिया जी का, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, रिमेंबर जी इज द पावर सेट ऑफ सेट एक्स, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए और बी का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ऐसे डिनोट करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ऐसे इसको पढ़ेंगे भी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ओके। देखना ये है यहां पे क्या कर रहे हो, जब भी आपको ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, पहले तो डिनोट ऐसे करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, ए में से बी के मेंबर को डिलीट करना है और बी में से ए के मेंबर को डिलीट करना है, और फिर क्या करने लेना है, यूनियन ले लेना है, तो जो भी मिलेगा वो क्या होगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे आइए, अब देखना ये है कि यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन अगर होगा तो आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए दो आर्बिटेरी मेंबर लोगे ए और बी, और इनको यूनियन से कंबाइन करोगे। अच्छा, ए और बी को यूनियन से कंबाइन करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। अब आप ये बताओ कि आपने एक्स के दो सबसेट लिया और उन दोनों सबसेट का क्या लिया, यूनियन लिया, तो फिर क्या मिलेगा आपको, एक एक्स का नया सबसेट मिलेगा, मतलब एक्स का ही सबसेट मिलेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि जब एलिमेंट को यूनियन से कंबाइन करें तो जो नया वाला मेंबर मिले, जो न्यू मेंबर मिले, वो फिर से किसका मेंबर हो, कैपिटल एक्स का ही मेंबर हो। और साथ ही साथ अगर ए और बी को फिक्स लेके चलें तो ए यूनियन बी क्या हो, फिक्स सबसेट हो एक्स का, मतलब कि फिक्स मेंबर हो जी का। अब आप इंटरसेक्शन पे आइए, अगर आप एक्स के दो सबसेट लिए हो ए और बी और इनको इंटरसेक्शन से कंबाइन किए हो,
ए इंटरसेक्शन बी, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक्स का ही एक सबसेट होगा, मतलब कि जी का ही एक मेंबर होगा। और साथ ही अगर आपने ए और बी को फिक्स लेके चला तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स का एक फिक्स सबसेट होगा, मतलब कि जी का एक फिक्स मेंबर होगा। इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं एक कॉम्प्लीमेंट की। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्स डिफरेंस ए, मतलब एक्स में से क्या किया आपने, एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद जो मेंबर्स बचे उन मेंबर को सेट बनाया, उसी सेट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर आप ए का एक सबसेट लिया आपने, एक जी का मेंबर लिया है, ए को आपने जी का मेंबर लिया है, मतलब ए क्या है, जी का एक सबसेट है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स का एक सबसेट होगा। और साथ ही साथ अगर आपने फिक्स लिया, फिक्स सबसेट लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स का एक फिक्स सबसेट होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि यूनियन, इंटरसेक्शन और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों क्या होंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होंगे ऑन द पावर सेट ऑफ सेट एक्स। इसी तरह से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर सकते हैं। अगर आपने दो मेंबर कोई आर्बिट्रेरी लिया, ए और बी, जी का मेंबर लिया, जी का है पावर सेट ऑफ सेट एक्स, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाला आपने, तो आप क्या करोगे, देखो ए में से बी के एलिमेंट को डिलीट करोगे, फिर बी में से एक एलिमेंट को डिलीट करके यूनियन लोगे, तो फिर से ये क्या होगा, राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्स का ही एक सबसेट होगा। और अगर आपने दो फिक्स मेंबर लिए जी के, जी के मेंबर एक्स के सबसेट हैं, तो अगर एक्स के दो फिक्स सबसेट लिया उनका सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होगा, एक्स का एक फिक्स सबसेट होगा। इस तरह से ये क्लियर है कि अगर हम लोग बात यूनियन की कर लें, या बात इंटरसेक्शन की कर लें, या बात सिमेट्रिक डिफरेंस की कर लें, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होंगे ऑन दी पावर सेट ऑफ सेट एक्स। अगर हम लोग कोई भी सेट लेते हैं, कोई भी आर्बिटेरी सेट लेते हैं, और उस आर्बिटेरी सेट का पावर सेट लेते हैं, तो उस पावर सेट पे यूनियन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो अगर हम लोग बात करें पावर सेट, अगर हम सिंबल में बात कर लें, यूनियन इंटरसेक्शन रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, आर ऑल इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन पावर सेट ऑफ एनी सेट। अगर हम लोग कोई भी आर्बिटेरी सेट लें और उस आर्बिटेरी सेट का पावर सेट लेते हैं, उस पावर सेट पे यूनियन भी, इंटरसेक्शन, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सभी के सभी क्या होंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो इस तरह से आपके पास कुछ ग्रुपाइड के एग्जांपल मिले। अगर हम लोग ये कहें कि सो जी का मतलब क्या है यहाँ पे, पावर सेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, पावर सेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, पावर सेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, एंड
पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सभी के सभी क्या होंगे, ग्रुपवाइड होंगे, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपवाइड। इस तरह से और भी आपके पास ग्रुप वाइड के एग्जांपल मिले। अच्छा, अब जैसा कि हमने जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने जेडन की बात किया था, और लास्ट जो सेकेंड लेक्चर था उसमें भी जेडन की बात किया था हमने, कंसीडर हम ग्रुपॉइड के एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कंसीडर जेडन, जेडन के जो मेंबर्स थे वो आपने देखा था। हमने एक्चुअली क्या है कि दो ऑपरेशन डिफाइन किया था लास्ट टाइम पे, जेडन पे हमने एडिशन डिफाइन किया था, जेडन पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था। एडिशन डिफाइन किया था जिसको हमने कहा था कि एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था हमने उसको बोला था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। एक्चुअली वो भी दोनों क्या थे, बाइनरी ऑपरेशन थे जेडन में, लास्ट टाइम पे आपने देखा था। अगर इसके मेंबर की बात करें तो यहाँ पे है 0 bar, 1 bar, 2 bar and so on, n-1 bar, ये मेंबर्स हैं जेडन के। ओके, एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, फिक्स नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग बात करें एडिशन मॉडुलो एन की, जिसको हमने प्लस सर्किल से डिनोट किया था और हमने डिफाइन किया था इस तरह से, जैसे मान लो दो जेड एन के एलिमेंट लिया आपने ए बार और बी बार, ए और बी इंटीजर्स हैं, जब आप इनकी क्लासेज लोगे तो वो क्या हो जाएंगे, जेड एन के मेंबर हो जाएंगे। और ये क्लासेज, ये जो ए बार होगा कोई ना कोई इसी सेट का मेंबर है, बी बार भी क्या है इसी सेट का एक मेंबर है। कोई भी एक इंटीजर लेते हो ना और जब आप उसकी क्लास लोगे तो ऑटोमेटिक वो सेट इसी सेट का मेंबर हो जाएगा। और इस सेट में किस मेंबर के बराबर होगा, इसके लिए क्या करना होगा आपको, ए को एन से डिवाइड करना होगा। ए को जब एन से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो एन माइनस 1 होगा। अगर ए को एन से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब कि जो ए होगा इंटीजर वो 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ए की क्लास 0 की क्लास के इक्वल होगी। इसी तरह से हम लोग ये बातें बी के लिए कर सकते हैं, मतलब कि ए को एन से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर मिलेगा, मान लो रिमाइंडर 2 हो गया, इसका मतलब कि जो ए की क्लास होगी वो किसके बराबर होगी, 2 के क्लास के बराबर होगी, क्योंकि ए और 2 क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एडिशन ऐसे डिफाइन किया था कि ए और बी को क्या करना है आपको, इंटीजर वाले प्लस से कंबाइन कर देना है और फिर से आप इसकी क्लास ले लेना। फिर इसी तरह से आपको आपने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन किया था, जिसको बोला था हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, और उसको स्टार से डिनोट किया था। तो ए बार बी बार को स्टार से कंबाइन करोगे तो कैसे कंबाइन करोगे, ए और बी को क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देना है इंटीजर वाले मल्टीप्लिकेशन से और फिर से उसकी क्लास ले लेनी है। तो लास्ट टाइम पे हमने ये कहा था कि ये जो एक टेबल की हेल्प से हमने ये प्रूफ किया था कि सिंपल सी बात है कि जब आप जेडन के किसी भी दो मेंबर को कंबाइन कर रहे हो तो आपको क्या मिला, आपने एक मेंबर लिया जेडन का ए बार और दूसरा मेंबर लिया बी बार, तो इनको कंबाइन कैसे करना है, ए और बी को इंटीजर की तरह कंबाइन करने के बाद इसकी क्लास लोगे। अब ये जो क्लास है इसी सेट का एक मेंबर होगा, और इस सेट का कौन सा मेंबर है ये जानने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये a प्लस बी 0 है या 1 है या 2 है या n माइनस 1 है तब तो क्लियर है, कोई बात प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इंटीजर 0 के लेफ्ट में है या इंटीजर n माइनस 1 के राइट में है तो हमें क्या करना होगा, उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसकी क्लास ले लेंगे। तो वो जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो n माइनस 1 होगा। इसी तरह से ए और बी को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा ये देखना है, अगर ए बार स्टार बी बार तो ए और बी को क्या करना है, इंटीजर की तरह मल्टीप्लाई करके और जो इंटीजर आया फिर उसके क्लास ले लेंगे। अब ये क्लास इसी में से किसी ना किसी के इक्वल होगा, अगर मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से 0 मिल रहा है तो वो 0 के क्लास के बराबर होगा, 1 मिल रहा है तो 1 के क्लास के बराबर होगा, एंड सो ऑन, एन माइनस 1 की
ए और बी को मल्टीप्लाई करने से एन माइनस वन मिल रहा है, तो ए इंटू बी की क्लास एन माइनस वन की क्लास के बराबर होगा। अगर वो इंटीजर एन माइनस वन से ग्रेटर है या जीरो से लेफ्ट में है तो आपको क्या करना होगा, ए इंटू बी को एन से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसकी क्लास ले लेंगे। तो रिमाइंडर जो होगा वो तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या तो एन माइनस वन होगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो प्लस है और स्टार है, मतलब एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, ये दोनों के दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जेड एन में। बाइनरी ऑपरेशन अगर जेड एन में है इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास दो ग्रुप वाइड के एग्जांपल मिले। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, सो एडिशन मॉडल प्लस सर्किल एंड स्टार बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन जेड। तो इस तरह से हमें दो ग्रुपाइड स्ट्रक्चर मिले, दस जेड एन विद रिस्पेक्ट टू प्लस सर्किल एंड जेड एन विद रिस्पेक्ट टू स्टार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन आर ग्रुपॉइड्स। ठीक है, अब अच्छा एक हम कोई आर्बिटरी सेट लेके चलते हैं और उस सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट। ओके, हम दो मैपिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे प्रोजेक्शन मैपिंग, फर्स्ट प्रोजेक्शन और सेकंड प्रोजेक्शन। मैपिंग दो मैपिंग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, P1 फ्रॉम G क्रॉस G से G। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको G से G सेट में अगर आपको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, एक मैपिंग डिफाइन करना होगा आपको G क्रॉस G से G में, और वही मैपिंग क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जिसको डिनोट कर रहे हैं पी वन से, पी वन मैपिंग है जी क्रॉस जी से जी में। ओके, डिफाइंड बाय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पी वन के अंडर में, ये अपने से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पी वन के अंडर में एक्स कम वाई की जो इमेज आएगी वो एक्स, ऐसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने से, ऐसा मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जो x कम वाई को क्या कर रहा है, x पे मैप कर रहा है। यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट है ना, पहला कोऑर्डिनेट उसकी इमेज वही हो जाएगी, y क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, इससे हमें मतलब नहीं है, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है इमेज में वही आएगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड प्रोजेक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय दिस, इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप। इसी तरह से हम लोग सेकंड प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं, एंड P1 एंड P2, P2 भी मैपिंग है G क्रॉस G से G में ही, फिर से वही डिफाइंड बाय, इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, P2 के अंडर में x का y की जो इमेज है, फर्स्ट प्रोजेक्शन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट और यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट y, इसको क्या बोलेंगे, इस मैपिंग को सेकंड प्रोजेक्शन मैप, इस मैपिंग इज कॉल्ड सेकंड प्रोजेक्शन मैप।
अच्छा, अगर दोनों P1 और P2 दोनों के दोनों मैपिंग हो गए, इसका मतलब कि एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो गए, तो देखना ये है, चेक करना ये है कि ये मैपिंग है कि नहीं है। मैपिंग होने के लिए फिर से भाई दो बातें आपको चेक करनी होगी, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी और एक फिक्स एलिमेंट की जो इमेज होगी वो फिक्स एलिमेंट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्स का मवाई कोई भी मेंबर होगा जी क्रॉस जी का, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, और साथ ही साथ इस एलिमेंट का इमेज क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी तरह से इस एलिमेंट का इमेज क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। और अगर एक्स का मवाई की इमेज देखें तो वो एक्स ही होगा, एक्स का मवाई की इमेज देखें वो क्या होगा, वाई ही होगा। इसका मतलब कि P1 और P2 दोनों के दोनों क्या है, मैपिंग है। और अगर ये मैपिंग है तो इसका मतलब कि हमारे पास दो मिल गए बाइनरी ऑपरेशन P1 और P2। अच्छा, एक बात और भी आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अगर जी मान लो सिंगल्टन सेट होता, सिंगल्टन सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसके पास एक ही मेंबर है, अगर इस तरह की बात होती तो फिर क्या होता है, यहाँ पे मान लो जी के पास एक ही मेंबर है, वो मेंबर स्मॉल एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या कर पाते, यहाँ पे एक ही मेंबर है एक्स, एक्स ही रखते हैं यहाँ पे क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे भी एक्स ही रखते हैं। और P1 के अंडर में एक्स का मैं एक्स की इमेज क्या होती, एक्स। फिर यहाँ पे देखो जब जी सिंगल्टन है तो P2 अब यहाँ पे क्या रख पाओगे, एक्स, क्योंकि आपके पास जो सेट है वो उसके पास सिर्फ एक ही मेंबर है एक्स, यहाँ पे भी एक्स ही रखोगे और फिर इसकी इमेज भी क्या आएगी, एक्स ही आएगी क्योंकि इस बार भी सेकेंड कोऑर्डिनेट पे एक्स ही है। तो इस केस में जब जी सिंगल्टन होगा तो P1 और P2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, अदरवाइज ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ओके, तो अगर जी सिंगल्टन है तो P1 और P2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, अदरवाइज ये P1 और P2 क्या होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन होंगे जी में। तो इस तरह से जी में दो बाइनरी ऑपरेशन मिला, P1 और P2। तो ये किसी भी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं, P1 और P2 क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जी सेट ऑफ रियल नंबर रहा होता, अगर सेट ऑफ रियल नंबर रहा होता तो R क्रॉस R का मतलब आप समझते हैं प्लेन है, ये R क्रॉस R क्या है, प्लेन। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन देखें, ये प्लेन का ओरिजिन है, जैसे मान लो इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं A, B, तो A, B का जो इमेज होता P1 के अंडर में, तो अगर आप यहाँ पे देखें A, B, इसका मतलब कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो A होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, B होगा। अब P1 के अंडर में इस एलिमेंट की इमेज क्या होगी, जैसे कि A, B मान लो ये पॉइंट है कहीं पे, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, A, B। तो इस मैपिंग के अंडर में, P1 के मैपिंग के अंडर में इसकी इमेज क्या होगी, A होगी, मतलब कि इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। और P2 कहाँ पे मैप करेगा, P2 मैप करेगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे, इसको प्रोजेक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, और यहाँ पे कौन है, अगर इसकी बात करें तो ये A, 0 है और ये कौन है, 0, B है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं रियल लाइन के केस में ये प्रोजेक्शन मैप आप समझ सकते हैं। लेकिन जी कोई भी आर्बिटरी सेट है, तो जी अगर कोई दूसरा सेट लेंगे तो हम लोग वहाँ पे एक्सिस वगैरह की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये बात क्लियर है, क्लियरली P1 एंड P2 आर मैप्स। सो आपने क्या देखा, अगर कोई भी सेट लेते हैं हम लोग, नॉन एम्प्टी सेट, और हमने उस पर फर्स्ट प्रोजेक्शन डिफाइन किया और सेकंड प्रोजेक्शन डिफाइन किया जी विद रिस्पेक्ट टू P2, तो ये दोनों आर क्या है, ग्रुप पॉइंट्स। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने ग्रुप पॉइंट समझा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ग्रुप को समझना चाह रहे हैं और ग्रुप तक पहुंचने के चार स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि ऑपरेशन का बाइनरी होना, तो ऑपरेशन बाइनरी क्या होता है ये तो हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था, और आज एक नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया और उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया, ग्रुप वाइड। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जी क्या है, ग्रुप वाइड है ऑपरेशन ओ के साथ, इसका मतलब क्या है, ओ क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो अगर आपके पास सिर्फ एक सेट है, अगर आपके पास सिर्फ एक सेट है तो बस आपके पास सेट है, उसके मेंबर आपको पता है कि उसके मेंबर्स क्या है। लेकिन जैसे ही कहा कि ये जो जी है एक ग्रुप वाइड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक रूल आ गया
और रूल कौन है, वो जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, जी के किसी भी दो मेंबर को कंबाइन कर सकते हैं। और जब भी कंबाइन करेंगे तो ये जो एक्स वाई आएगा फिर से क्या होगा, जी का एक मेंबर होगा। और अगर आप दो फिक्स एलिमेंट लेते हो जी के तो एक्स वाई भी क्या होगा, एक फिक्स मेंबर होगा जी का, ठीक है, फिक्स मेंबर होगा जी का। इस तरह से हमने ग्रुपाइड क्या होता है ये समझा और कुछ एग्जांपल देखे ग्रुपाइड के, नंबर सेट में देखा, जेडन में देखा, उसके बाद से प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू देखा और उसके बाद से किसी भी सेट के पावर सेट पे देखा। वहाँ पे हमारे पास चार ऑपरेशन थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है ग्रुप तक पहुँचने का, वो सेकेंड स्टेप क्या है, ऑपरेशन का एसोसिएटिव होना। इस पे बात करेंगे कि कब कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है, ओके। तो बाकी जो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ये सब सारी बातें करेंगे। थैंक यू।